गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंटिन्यू करेंगे क्रिया का। पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया था क्रिया का, क्रिया मतलब काम होता है ना, कार्य होता है। क्रिया मीन्स क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस कार्य को हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया, है ना। जिस किसी के भी रूप के या तो कार्य होने का या तो उसकी जानकारी मिलती है उसको प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम क्रिया। क्रिया के भी जितने रूप होते हैं, जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं उसके जो रूप होता है उसका भी अंश होता है, हर किसी भी रूप का अंश होता है उसे क्या कहते हैं, धातु। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था वो धातु होता है, ठीक है। जिस तरह से उड़ना, लिखना, बैठना सभी का उसका अंश होता है उसे धातु कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों की क्रिया के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर उसके दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अकर्मक में फल नहीं मिलता है, जो हम करते हैं जो कर्ता करता है उसी का ही उसको फल मिलता है, वो दूसरे को नहीं मिलता। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, हम जो प्रश्न पूछते हैं हमें उसको उत्तर मिलता है और जो क्रिया करता है उसका फल दूसरे को भी वो मिलता है। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि सकर्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक तो है एकात्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकात्मक क्रिया में जो एक व्यक्ति करता है वो सिर्फ उसी तक सीमित रहता है, द्विकर्मक क्रिया में दो व्यक्तियों का ही वो कर्म एक दूसरे को उसका फल मिलता है, जो कर रहा है उसका दूसरे को भी फल मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था सेकंड वाला प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर पांच भेद होते हैं, पहला कौन सा होता है, सामान्य क्रिया, धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम क्रिया, है ना, नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणात्मक क्रिया और पांचवा है क्या है, हाँ वेरी गुड, है पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया ये सब सामान्य होता है, उसके बाद संयुक्त क्रिया में एक से ज्यादा का क्रिया का अंगों पर मिलता है, तीसरा है नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी क्रिया करते हैं उससे रिलेटेड होता है, प्रेरणादायक मतलब जो काम कर रहा है उसका दूसरे से उसको प्रेरणा मिलती है, तो दो कर रहा है उससे प्रेरणा दूसरों को मिलती है, और पांचवा है कि पूर्वकाल जो काम करे उसके पूर्वकाल। अब हम देखेंगे बेटो काल, है ना बच्चों, हम देखेंगे आज काल। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय होता है काल, जो भी हम क्रिया करते जो काम करते हैं, है ना, क्रिया का जिस रूप से काम होने का या उसका बोध होता है, क्या है, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय, वक्त, टाइम, ठीक है। जो भी हम कार्य करें क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो पहले कैसे बोलते हैं अपन लोग, हाँ भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया, जिस तरीके से आप लोग पहले कक्षा छठवीं में थे, अभी सातवीं में हो और अगले साल आप आठवीं में जाओगे, जो बीत गया जो छठवीं में थे वो बीत चुका है, ठीक है बच्चों, वो बीत चुका, आप लोग कक्षा छठवीं में थे वो क्या हो गया, भूतकाल, वो क्या हो गया, भूतकाल। मैं खाना खाया था, मैं पढ़ा था, मैं लिखा था, जो था है ना, जो हो चुका है वो काम उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे शंकर कल आया था, ठीक है, कल स्कूल गया था, ये क्या हो गया, भूतकाल, गया था मतलब मैं चला गया था, वो गया। सेकंड है वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो समय, जिस काल के, जिस क्रिया के जिस रूप से समय का अभी जो चल रहा है उसका बोध होता है, जो कंटिन्यू हो रहा है, जिस कार्य के वर्तमान काल के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कैसे, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, आप पढ़ रहे हो, ये भी कंटिन्यू हो रहा है, मैं खाना खा रही हूँ,
वर्तमान समय में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, शंकर आता है, उसके हाथ में पुस्तक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से आने वाले कल का पता चलता है, जो आने वाला है, जैसे मैं अगले साल कक्षा आठवीं में जाऊंगा, जाऊंगा मतलब गया नहीं, हो गया नहीं था, ना गया है ना है, मतलब वो जाएगा। ठीक है, कल शंकर मेरे घर आएगा, आएगा कल मैं स्कूल जाऊंगी, कल संडे है, तो कल क्या है? संडे। तो कल के बारे में बता रहे हैं, वो क्या होता है? भविष्य होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य का। तो बच्चों आज काल के बारे में जब हम लोगों ने पढ़े, तो काल का क्या है? काल का है क्रिया के जिस रूप से किसी वक्त का, समय का जब बोध होता है, उस कार्य का, समय का बोध होता है, काम के होने का बोध होता है, या ज्ञान होता है, या पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या? जो चल रहा है। ठीक है, भूतकाल जो बीत चुका, भविष्य काल जो आने वाला है, तो हम उसको कैसे कहते हैं? भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। इसी तरीके से भविष्य, वर्तमान का, भूतकाल का एग्जाम्पल दे सकते हो। भूतकाल का क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? भूतकाल आया था, ठीक है, गया था, सोया था, पड़ा था, और वर्तमान काल में क्या था? वर्तमान काल में आया है, गया है, सोया है, पढ़ रहा है, और भविष्य काल में क्या है? भविष्य काल में आएगा, जाएगा, सोएगा, पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग इसका बता सकते हैं, जिस तरीके से जो है भूतकाल जो चला गया है, वर्तमान का जो चल रहा है, और भविष्य का जो आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका बता सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्रिया में और काल का, ये दोनों का जो हम लोग जिस तरीके से हम लेसन में हम लोगों ने देखा है ना, कौन सा लेसन? क्रिया और काल, उसमें हम लोगों ने बताया कि क्रिया क्या होता है, काम होता है, संज्ञा या सर्वनाम का जिस क्रिया का पालन, पता चलता है कि हम वो काम कर रहे हैं, वो क्रिया होता है, और साम वही संज्ञा या सर्वनाम किस काम को कर रहे, कितना समय लगेगा, वो समय का जब बोध कराता है तो वो काल कहलाता है। जिस तरीके से काल में मैंने अभी भी बताया, पहले वीडियो में भी बताया कि क्रिया, जो क्रिया होता है, काम होता है, हम काम किस समय कर रहे हैं, मम्मी बोलेगी देखो शाम को 6 बज गया है, आप पढ़ाई करने बैठो, तो वो क्या समय का ज्ञात होगा कि 6 बजने वाला है या 6 बजेगा, तो आपको पढ़ने बैठना, चलो रात के 9 बज गया, खाना खा लो, टीवी बंद करो, खाना खा लो, तो हमें ज्ञात होता है कि रात के 9 बजा है, तो हम उससे अलर्ट हो जाते हैं कि हमको टीवी बंद करके खाना खाना है या सोना है, जैसा भी है। ठीक है, वो क्या होता है? हमें समय का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। आने वाला, गया, या आएगा, या चल रहा है, उसके बारे में जब हम पता चलता, हमें पता होता है, तो हमें उससे क्या पता चल जाता है? कि हमें इसका ज्ञान होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा था ना क्रिया, और पहले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा, और आज जो वीडियो में पढ़ा है हम लोगों ने काल के बारे में। काल के बारे में हम लोग पढ़े थे ना कि काल तीन प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि भविष्य का भूतकाल, वर्तमान काल, और भविष्य का। तो बच्चों ये हमेशा आप लोग को क्लास 7th में हो, मगर ये हमेशा आप लोग को हमेशा चलेगा, आप 8th में, 9th में, 10th में जितने भी है, आपको इससे ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन से काल में हो। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, हाँ उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसके लिए आपकी जानकारी इससे आपको अच्छे से हो जाएगी कि आया था, गया था, मतलब आया था, वो आके चले गए है ना, चले गया है वो, और आया है मतलब वो प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आएगा मतलब वो आने वाला है, वो आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्रिया और काल के बारे में बताया।
आगे के वीडियो में।